आपको शायद मालूम होगा कि इसके पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए सरदार सरोवर डैम की हाइट को लेकर के मैंने अनशन किया था और भारत सरकार के खिलाफ किया था और कुछ ही घंटों में भारत सरकार को मेरी बात को मानना पड़ा था। इसलिए मुझे खुद को ही अनशन का एक्सपीरियंस है और जब खुद को एक्सपीरियंस है तो कोई और आवश्यकता होती नहीं है। दूसरी बात है कि एक ऐसे उपवास है जिसमें किसी से कुछ मांग नहीं है, ये करो वो करो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक विचार को ताकत देने का प्रयास है, एक वैचारिक धरातल पर एक वेव्स क्रिएट करने का प्रयास है। और मुझे लगता है कि मैं 3 दिन के उपवास का इंतजार नहीं करना पड़ा, पहले ही दिन हो चुका है वो काम। सर, कहा जाता है कि उपवास एक प्रकार की शुद्धि है, तो क्या आपका उपवास एक प्रकार की शुद्धि है? और अगर है तो फिर आपको शुद्धि की क्या जरूरत है? ये एक अर्थ है कि उपवास शुद्धि के लिए होता है, उसका दूसरा अर्थ ये भी है कि उपवास आप जो सोच रहे हैं उसके प्रति की प्रतिबद्धता के लिए भी होता है। मेरा उपवास वो प्रतिबद्धता वाला है कि मैं पिछले 8-10 साल से विकास के जिस मॉडल को लेकर के चला हूं, जिसको मैं अब एक फिलॉसफी के तहत शब्दबद्ध कर रहा हूं, जिसको मैंने कहा है सद्भावना मिशन, वो मेरा मॉडल है सबका साथ सबका विकास। देश बर्बाद इसलिए हुआ कि हमने टुकड़ों में देश को चलाया, अगर विकास किया भी टुकड़ों में किया, वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रख कर किया, हमने गुजरात को उसे मुक्त कर दिया और सबका साथ सबका विकास इस मॉडल को अपनाया। और उसका परिणाम यह हुआ कि हमें अच्छा परिणाम मिला है, तो देश को भी इसका लाभ लेना चाहिए। और इसलिए मैं अनशन में बैठा हूं कि मेरी ये फिलॉसफी को लोग जांचे परखे, वाद हो विवाद हो, अब डिबेट चल पड़ा है चलेगा और मैं चाहता हूं चले, तो उससे ये देश को वोट बैंक की राजनीति चाहिए कि डेवलपमेंट की राजनीति, इसका फैसला हो जाएगा। कुछ लोगों ने इसे 5-स्टार उपवास का नाम दिया है, तो उन ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक तो मुझे किसी को मैसेज देने की जरूरत नहीं है, अगर खर्च का विषय कोई कहता है तो मैं समझाना चाहता हूं। देखिए, हम अहमदाबादी लोग हैं, हमारे अहमदाबादी लोगों का एक पहचान है सिंगल फेयर डबल जर्नी, ये हमारे अहमदाबादियों की एक विशेषता है। अब हम जब ये उपवास के लिए पैंडल वंडल बनाने के लिए हिसाब लगा रहे थे तो पता चला करीब 1.5 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च पैंडल का आएगा। फिर ध्यान में आया कि बगल में ये कन्वेंशन हॉल है, सिर्फ 7.5 लाख में हो जाता है। अब मुझे कोई बताएं कि 7.5 लाख वाला करना चाहिए कि 1.5 करोड़ वाला करना चाहिए? तो हमारी सादी समझ ये कहती है कि 7.5 लाख वाला कमरा लेना अच्छा है भाई, रेडीमेड से मिल जाता है, तो हमने उस हिसाब से लिया है और उसी के माध्यम से हम अपना काम कर रहे हैं। और मैसेज को तो कोई रुकावट आ नहीं रही है, इसी के कारण मैसेज तो जो पहुंचना है पहुंच रहा है, वो फ्रीज नहीं हो रहा है मैसेज तो। सर, आपकी जितनी मास अपील और पॉपुलैरिटी शायद आपकी पार्टी में और किसी की नहीं है, तो क्या ये तरीका है आपको एज अ प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट पिचिन करने का? एक तो ये पहला एनालिसिस सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही लोकप्रिय जननेता हैं, बहुत ही जन समर्थन वाले नेता भी हैं, हर तबके पर हैं, तहसील के लेवल पे हैं, जिले के लेवल पे हैं, राज्य के लेवल पे हैं, देश के लेवल पे हैं। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अकाल नहीं है, और अगर ये एनालिसिस करें तो दूसरे सवाल का कोई मतलब ही नहीं रहता है। क्या आपने नीतीश कुमार को इनवाइट किया है फास्ट के लिए?
पहली बात है, इस कार्यक्रम में सरकार की तरफ से किसी का कोई संपर्क नहीं किया गया है। पार्टी की तरफ से जरूर हुआ है, किसका हुआ मैंने पूछा नहीं उनको। जहां तक एनडीए का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का प्रमुख हिस्सा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मतलब मैं भी एनडीए का हिस्सा हूं, तो ये हमारा काम चल रहा है, उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। जयललिता जी ने सुबह कहा था कि वो आपको सपोर्ट करती है, पर शाम तक उन्होंने कहा प्लीज डू नॉट सी टू मच इनटू दिस स्टेटमेंट, तो इस पे आपका क्या टेक है? मैं भी आपको कहता हूँ प्लीज डू नॉट सी, जो उन्होंने कहा वही करो। सो द लास्ट क्वेश्चन, 2002 दंगों के विक्टिम्स को अभी तक जस्टिस नहीं मिला है, दैट्स व्हाट द रीजन, तो क्या आपको लगता है इंस्टेड ऑफ दिस फास्ट, अगर आप उन्हें क्विक जस्टिस दिलाते तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? हमारे देश में न्याय देने का काम न्यायपालिका के पास होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, और आपको मालूम होगा कि गुजरात में दंगों के जितने केसेस हैं उस पर स्टे लाने वाले वही लोग हैं जिनका जिन्होंने इन पीड़ितों के लिए नुकसान किया है। पीड़ितों के नाम पर बात की, लेकिन 6-6 साल तक कोर्ट में स्टे लाने का पाप उन लोगों ने किया है। दूसरी बात है कि अगर आप लोगों को इतनी ही चिंता है न्याय की, तो एक छोटा सा काम करें आप, आपके ANI में कोई अगर पॉलिटिकल पंडित लोग हो, एक काम करें, हिंदुस्तान के 5 दंगे उठा लें, 1984 का दिल्ली के दंगे, भागलपुर के दंगे, 92 के मुंबई के दंगे, 1969 के गुजरात के दंगे, 2002 के गुजरात के दंगे, इसमें से 4 दंगे ऐसे हैं कि जिसकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है, गुजरात की सारी जानकारियां पार्लियामेंट में टेबल हो चुकी है, उसका एनालिसिस कीजिए। दंगा होने का कारण क्या था, दंगा होने के बाद फर्स्ट 24 आवर में पुलिस ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, आर्मी कब आई, टीयर गैस कितने चले, गोली कितनी चली, कितने अरेस्ट किए, कितने लोगों के ऊपर केस चले, कितने लोगों से, इसका पूरा सब अवेलेबल है। और उन 5 के अंदर कहीं पर भी गुजरात में वीक पॉइंट दिखता है तो फिर आप गुजरात की खाल उधेड़ दीजिए, और अगर 4 और में बुरा काम हुआ है तो उनकी खाल उधेड़िए। लेकिन आपको ये मेहनत तो करनी नहीं है, किसी को करनी है, एक किसी ने सवाल दे दिया तो सवाल लेके घूमते रहते हैं लोग।